हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे एक साउंड बार। इसमें हम लेंगे ये चार्जिंग मॉड्यूल, ये ब्लूटूथ, और ये है पैम 8403 एम्पलीफायर बोर्ड। इन तीन को यूज़ करके हम एक साउंड बार बनाएंगे। तो कनेक्शन करते हैं, इसके लिए हम पहले लेंगे स्पीकर। ये 3 वाट का है और 4 ओम है। एक लेंगे सब ऊपर, ये भी 3 वाट का है, 4 ओम का है। एक लेंगे बॉक्स, ये फॉइल पेपर का बॉक्स है, ये एकदम साउंड वाली तरह लगेगा, इसकी लेंथ सही है। और इसमें हम होल करेंगे, इसमें हम 2 होल करेंगे, एक राइट में एक लेफ्ट में, दोनों तरफ होल करेंगे। ये एक लिथियम बैटरी, ये पुरानी बैटरी है बट ये सही वर्क करती है। ये हमने कनेक्शन कर लिया इसके एम्पलीफायर के, एम्पलीफायर का कनेक्शन ब्लूटूथ से करा है। ये कनेक्शन देख सकते हैं आप, इसमें हमने 5 वाट का पावर सप्लाई का भी कनेक्शन करा हुआ है। और जो केबल दिख रही है ये पावर की है, ये हम 5 वाट की पावर देंगे। ये है चार्जिंग मॉड्यूल, इसके अंदर हमने बैटरी कनेक्ट कर रखे हैं, अभी इसमें हम बैटरी फिट करेंगे। नेगेटिव वायर नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करते हैं पहले। नेगेटिव कनेक्शन हो चुके हैं इसके। अब जो ये एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के वायर है, इसको हम इस चार्जिंग मॉड्यूल में कनेक्ट कर देंगे। इससे बैटरी चार्ज होने के बाद जो पावर होगी वो एम्पलीफायर में आएगी, बैटरी की पावर, और चार्जिंग के समय भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमने दोनों स्पीकर लेस में फिट कर दिए हैं और इसको ग्लू गन से फिट कर दिया है ताकि एयर पास ना हो, एयर पास नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, तभी अच्छा बेस बनेगा, अच्छा बेस और साउंड आता है। फिर साइड में हमने होल कर दिया है ताकि जहाँ हम ये मॉड्यूल लगा सकें। और दूसरी तरफ हमने ये स्विच भी लगाया, ऑन ऑफ करा, ऑन ऑफ का स्विच है ये। अब हमको हमने इसकी फिटिंग करेंगे अंदर, ये स्पीकर पहले कनेक्शन कर देते हैं इसके। ये स्पीकर, ये सब ऊपर दोनों कनेक्शन हो गए, अंदर फिट कर देंगे सही से इसको। ये ध्यान रखें कि दोनों के दोनों डिस्टेंस पर होने चाहिए, दोनों ज़्यादा पास नहीं होने चाहिए, जिससे कि हीटिंग कम होगी और ज़्यादा टाइम तक चलेगा हमारा ये साउंड बार। ये दोनों कनेक्शन फिटिंग इसकी हो गई है। अब उसको यूज करके देखेंगे हम कैसे काम कर रहा है। ऑन करता हूँ इसको मैं, आप सुनते हैं इसकी वॉइस, कैसी वॉइस आ रही है इसकी। कनेक्टेड, ये कनेक्ट हो गया है।
इसका बेस तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर आपको उसकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी और वीडियो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको ये।